नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले 8 साल के दौरान प्रति व्यक्ति आय में जो बाजार मूल्य के हिसाब से दोगुनी वृद्धि हुई है उसके आंकड़े आए हैं, उनके बारे में हम आज जो है इस एपिसोड में बात करेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु स्थित डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर श्री भानुमूर्ति जी। पिछले हफ्ते आंकड़े आए हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने आंकड़े जारी किए हैं कि 2022-23 में जो देश की पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय वो 8 साल में दोगुनी हो गई, मतलब 2014-15 के मुकाबले 2022-23 में दोगुनी हो गई है। 1,72,000 रुपये का आंकड़ा आया है कि 1,72,000 रुपये हो गई है प्रति व्यक्ति आय, दोगुनी हो गई है 8 साल में। इसको कैसे देखा जाए, मतलब एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप इस चीज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये सही है कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा इनकम बोलता है वो 8 साल में दुगना हो गया है, मगर इसका ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है वो करंट प्राइसेस में हुआ है। ठीक है, जीडीपी में दो तरह का एस्टिमेशन होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस होता है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता है। और अभी ये 8 साल में दुगना हुआ है करंट प्राइसेस में, वो रियल जीडीपी नहीं होता है, क्योंकि वो नॉमिनल जीडीपी होता है और उसका को हम ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दुगना हो सकता है कि प्राइस बढ़ने के बाद के प्राइस बढ़ने के बढ़ने में भी वो दुगना हो सकता है। अभी आप भी बताया कि 8 साल में जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलता है हमको, वो 35% ही बढ़ा है। ठीक है ना, वो मतलब 65, बाकी 65% हुआ है वो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जीडीपी जो वास्तविक रियल जीडीपी जिसे कहा जाता है वो स्थिर मूल्यों पर कांस्टेंट प्राइस पर होता है, तो स्थिर मूल्य के हिसाब से अगर गणना करें तो 2014-15 के बाद 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में 35% की वृद्धि हुई है। और अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से हम करें, बाजार मूल्य जो इस समय है, तो उसके हिसाब से वो दुगनी हो गई है। तो 35% और 100% यानी 65% उसमें ये कह सकते हैं कि महंगाई का मामला, मतलब महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तो इसलिए अगर ये 35% को अगर ये 35 और थोड़ा डिटेल से भी बोल हम बात कर सकते हैं, अभी 35% बढ़ा है इसको ना आप 8 से डिवाइड किया तो 35/8 किया तो हर साल ऑन एन एवरेज अबाउट 3.5% क्या 4.5% ही बढ़ा है रियल पर कैपिटा जीडीपी क्या बोल रहे हैं हम। और इफ यू वांट टू कंपेयर द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, एवरेज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, 100 को 8 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो कम से कम 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज इंक्रीज बाय 12%, वेर एज द रियल जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ इज जस्ट अबाउट 4.5% एवरेज ऑन एन एवरेज। मतलब वो दोगुना हो गया है, तो वो 8 के करीब 8% के करीब बढ़ा है। और स्थिर मूल्य पे अगर करेंगे तो 8 से उसको डिवाइड करें तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो स्थिर मूल्य के हिसाब से जो 35% वृद्धि हुई है 8 साल के दौरान, तो औसत अगर निकालेंगे तो हर साल करीब 4.6% जो है ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और 65% को आप 8 से डिवाइड किया तो आपको आएगा महंगाई हर साल कितना बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक महंगाई कितनी बढ़ी है।
हाँ 8 साल में अगर आपकी 65% महंगाई है, तो 8 8 64 करीब 8 पॉइंट कुछ% महंगाई औसत एवरेज जो है हर वो साल बढ़ी में। है, और जो रियल जो वृद्धि हुई वो 4.2% या 4.8% के करीब हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि जो है वो 4% के करीब हुई है 8 साल में औसत तौर पर, हाँ और जी पूरे 8 35% हो गया। हाँ जी और अगर महंगाई का भी उसमें शामिल करें तो वो दुगनी हो गई है। ये जो आंकड़े हमारे पास हैं, 2014-15 में बाजार दर पर 86,647 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, और ये 2022-23 में जो अनुमान आया है कि 1,72,000 रुपये हो गई, तो करीब करीब दुगना हो गया है। लेकिन जो स्थिर मूल्य है, कंस्टेंट प्राइस जो आपने बताया, उसके हिसाब से ये 2014-15 में थी 72,805 रुपये, और 22-23 में हुई है 98,118 रुपये, तो ये करीब 35% की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस दौरान महंगाई का आंकड़ा जो है कुछ ज्यादा रहा है, महंगाई कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मतलब आम आदमी की कमाई पे असर तो पड़ा ही होगा कि हाँ भाई थोड़ा वृद्धि तो हुई है। हाँ जी, वो आप तो वृद्धि तो हुआ है, मगर वो जी 4.45% ही हुआ है। वेदर दैट इज सफिशियंट इनफ इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, भानुमूर्ति जी, और हम एक बात जानना चाहते हैं कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की गणना कैसे करते हैं और जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, नेशनल इनकम इट कैन बी एस्टिमेटेड मल्टीपल वेज। ठीक है, अभी जी इंडिया में ये नेशनल इनकम को दो तरह से एस्टिमेट करता है, एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस करके बोलता है, और दूसरा बोलता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन जी बेस प्राइसेस करके बोलता है। ये दो तरह का एस्टिमेशन होता है। जीडीपी एट जी मार्केट प्राइस में क्या होता है, पूरा डिमांड साइड की तरह होता है। मतलब वो कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो सब मिला के जीडीपी एट मार्केट प्राइस करके होता है। और जीवी एट बेस प्राइस बोलते हैं हम, प्रोडक्शन का साइड होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, और सर्विस सेक्टर प्रोडक्शन होता है। वो दोनों तरह का एस्टिमेशन करता है, और इंडिया में भी दो तरह का एस्टिमेशन हो रहा है। अब थोड़ा फर्क पड़ता है दोनों दोनों का बीच में, मगर दोनों हमको एक रेफरेंस पॉइंट जैसा ही होता है पर नेशनल इनकम के। हाँ जी, आजकल जो ये मिनिस्ट्री जो आंकड़े जारी करती है वो जीवीए के आधार पर भी करती है, और जीडीपी जो मार्केट प्राइस जीडीपी के हिसाब से भी होता है, और जी, दोनों में मामूली अंतर रहता है उसमें। थोड़ा ये अंतर रहता है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जी, तो नेशनल क्या इनकम मैं को क्या बोल रहा हूँ, जीडीपी डिमांड साइड एस्टिमेशन होता है, सप्लाई साइड एस्टिमेशन भी होता है। सप्लाई साइड जी एस्टिमेशन हो रहा है वो जीवीए एट बेस प्राइस बोलता है, डिमांड साइड हो रहा है उसको बोलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस करके बोलता जी तो है। और इसमें डिमांड फिर सप्लाई दोनों इक्वल होना चाहिए। जी, तो इसमें फिर जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो निकालते हैं वो कैसे निकलता है? पर कैपिटा इनकम भी दो तरह का हो सकता है, पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस करके बोलते हैं। और मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि व्हेन वी से जीडीपी ऑफ ए कंट्री, इंडिया जीडीपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही ले रहा है। ठीक है, इसको पहले हम ले रहे थे जीडीपी एट फैक्टर कास्ट करके दे रहे थे, वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। अभी राइट नाउ द मेथोडोलॉजी में जीडीपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही हो रहा है, और पर जी कैपिटा जीडीपी मतलब जीडीपी को डिवाइड बाई पॉपुलेशन करता है, द पॉपुलेशन इन द कंट्री को डिवाइड करके फिर ओके, उसको मतलब होता है। और पर कैपिटा भी, अभी जीडीपी भी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, करंट प्राइस है, दोनों को अब पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो आपको पर कैपिटा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, पर कैपिटा जीडीपी एंड करंट प्राइसेस दिया। ओके, तो वही मतलब प्रति व्यक्ति आय होती है एक तरह से, हाँ जी हाँ जी मतलब जीडीपी जितना उसका टोटल वैल्यू आया मार्केट प्राइस पे या कंस्टेंट प्राइस पे, जितना वैल्यू आया उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो एवरेज हराती की जो है नेशनल प्रति पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। जी, तो ये मतलब और काफी पॉपुलेशन भी, और एक भी बोलना चाहता हूँ, पॉपुलेशन भी क्या होता है, और हर 10 साल में हम सेंसस करता है ना, और उसको ऊपर लेके पिछला सेंसस हुआ है 2011 पे,
इसके बाद हम सिर्फ फोरकास्ट ही करते हैं पॉपुलेशन सेंसस को। हर साल 1.8% वृद्धि दिखाता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन में, और इसके जी इसके ऊपर हम 2022-23 का भी पॉपुलेशन एस्टिमेट करने के बाद उसको हम जीडीपी के साथ डिवाइड करके आपको पर कैपिटल जीडीपी आता है। मतलब जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है उसको एक अनुमान लगाया जाता है हर साल, क्योंकि हाँ जी जो गिनती होती है तो 10-10 साल में होती है, जी और इस बार तो मेरे ख्याल से 10 साल में अभी हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ कोविड की वजह से, 2021 का सेंसस नहीं हुआ है। हाँ, 2011-12 में हुआ था, 11 में हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। नहीं, तो ये जो हम जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं वो उसी के जो एवरेज नहीं एवरेज जो उसके उसमें पहले 2001, बिटवीन 2001 एंड 2011 का ग्रोथ होता है, एवरेज ग्रोथ रेट होता है, वो ग्रोथ रेट को हम अभी भी यूज कर रहे हैं 2011 के बाद भी। तो मेरे ख्याल से 1.75 के आसपास था मेरे ख्याल ये से, ऐसा ही 1.8 या 1.75 ऐसा कुछ है। ओके, जो पहले वाली प्रति हर साल जो वृद्धि का औसत तो हमारे हाँ जी पास, हाँ जी हाँ तो जी उसी के हिसाब से हम 2022-23 की जनसंख्या का भी अनुमान उसमें व्यक्त कर रहे हैं। जी, और एक जीडीपी की हम बात कर रहे थे कि इस साल जीडीपी जो है अब कम हो रहा है कुछ, उसकी जो ग्रोथ की रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। अभी थर्ड क्वार्टर के पे जो आंकड़े आए हैं अक्टूबर टू दिसंबर की, 4.4% जीडीपी वृद्धि, और रिजर्व बैंक ने कहा कि पूरे साल में जो हमारा अनुमान 7.1 या 7% का उसने बताया है, तो अभी जो थर्ड क्वार्टर की जो थोड़ी सी उसमें 5% उम्मीद की जा रही थी तो वो थोड़ा कम रहा है। आपको क्या लगता है कि हम 7% हासिल कर लेंगे पूरे जो फाइनेंशियल ईयर है? नहीं, ये क्वार्टरली नंबर्स में ना तो बहुत सारा वोलेटिलिटी होता है, क्योंकि बहुत सारा सीजनलिटी होता है, बहुत सारा पॉलिसी इम्पैक्ट भी नहीं हो सकता है क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स में, और एस्टिमेशन भी बहुत सारा फोरकास्ट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम तो क्वार्टरली नहीं मिलता है ना। सिमिलरली देर आर मेनी प्रोडक्ट्स क्वार्टरली नंबर्स नहीं मिलता है, इसको तो सिर्फ फोरकास्ट ही करते हैं। बहुत सारा कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी को हम फोरकास्ट ही करते हैं, अच्छा, और तो दैट इज द रीजन आई डोंट गिव टू मच इम्पोर्टेंस फॉर क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स, बट 7% ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ फॉर द होल ईयर आई थिंक इट्स स्टिल पॉसिबल। आई डोंट थिंक एनीबडी इज सेइंग एनीथिंग लेस देन 7%। आज भी देखिए आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डेटा भी आया है, एंड इट इज जी, वेर समवेयर वेरी क्लोज टू फुल ईयर द प्रोजेक्टेड नंबर, एंड प्रोजेक्टेड नंबर इज बेस्ड ऑन 7% रियल जीडीपी ग्रोथ। सो ये क्वार्टर बिटवीन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा असर तो होता है, मगर 7% इज ऑलमोस्ट ए गिवन नंबर मेरे मेरे हिसाब से। जी भानुमूर्ति जी, तो आपने कहा कि 7% जो है इस साल हासिल हम कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से उसमें फ्लक्चुएशन घट बढ़ चलती रहती है, और ये जीडीपी वृद्धि अगर 7% हम हासिल करते हैं तो पूरे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जीडीपी से ही तमाम जो इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां हैं, खरीद फरोख्त है, प्रोडक्शन है, सप्लाई है, इन सब चीजों का आकलन किया जाता है, उसी में रोजगार के अवसर भी कहीं ना कहीं उसमें उसमें छिपे हुए हैं। इम्पॉर्टेंटली जी रोजगार तो छिपे हुआ है, इसलिए तो 7% करना ही चाहिए, 7% जी से कम नहीं होना चाहिए। जी अंत में आपसे हम मुलाकात कर नहीं पाए थे, बजट पेश हो चुका है, बजट के बारे में काफी डिस्कशन भी हो चुका है, प्रधानमंत्री भी वेबिनार कर रहे हैं कि क्या क्या करेंगे। आप चूंकि लगातार इस क्षेत्र में काम करते हैं, इस साल का जो बजट, जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि पॉपुलिस्ट बजट होगा, सरकार खूब छूट देगी, ये होगी, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दिखाई नहीं दिया, आपको क्या लगता है कि 22-23 का जो 23-24 का 2023-24 का जो बजट पेश हुआ है, अगले साल चुनाव है, आम चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए ये बजट आप किस नजर से देखते हैं, कैसा दिखता है आपको बजट? तीन तीन वर्ड्स हम यूज करना चाहते हैं बजट के बारे में। एक है जी, कंटिन्यूटी, है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। जी दूसरा है प्रैग्मेटिक है, तीसरा ओके, है लेस लेस पॉपुलिस्टिक है। पॉपुलिस्टिक, ओके, कंटिन्यूटी में क्यों बोल रहा हूँ कि इफ यू लुक एट द
पोस्ट कोविड बजट, दो बजट्स आया है 21-22, 22-23, एंड इफ यू लुक एट द 23-24, ये तो कंटिन्यूस है पॉलिसीज दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन 21-22, वेयर द फोकस वाज मोर ऑन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट को ऊपर बढ़ावा दिया है, वो जी अभी 3 साल में अभी कंटिन्यूस हो रहा है। एक नंबर और एक आपका दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि एक इफ यू लुक एट द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये 3 साल में गुना हो गया, ये डबल हो गया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तीन तीन लाख 3.5 लाख कुछ था, अभी तो 10 लाख हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया है, एंड दैट्स जी अ जी बिग नंबर है ना। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ देयर इज अ कंटिन्यूटी इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द पोस्ट कोविड। दूसरा है प्रैग्मेटिक, आप देखिए कंपेयर किया तो, एडवांस कंट्रीज को कंपेयर किया तो वी आर एक्चुअली इन अ वेरी स्टेबल पोजिशन, एंड वी ऑल्सो सी डिस्पाइट द कोविड-19 एंड ऑल्सो डिस्पाइट द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, अभी गवर्नमेंट ने बता रहा है कि आपका ये फिस्कल डेफिसिट है, द फिस्कल पॉलिसी स्मूथनिंग कंटिन्यू कर रहा है, एंड दे रिटेन दैट 4.5% फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 25-26, और 2 साल में फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लेके आने के लिए वो अभी भी दे स्टिल डिटरमाइंड टू डू दैट। सो दैट इज ए प्रैग्मेटिक पॉलिसी इन माई व्यू। एंड लेस पॉपुलिस्ट मतलब सब सोच रहे हैं कि अगले साल इलेक्शन है, देर जी बी लॉट ऑफ यू नो डोल्स बोलते देख हैं, डोल्स करके बोलते हैं, डोल्स का प्रोग्राम गवर्नमेंट कैन गेट इन टू दैट काइंड ऑफ ए पॉलिसीज, एंड दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलिस्ट, आपका वो राज्यों का आजकल 3-4 राज्यों का भी बजट आया है, वो राज्यों में देखना है कि क्या पॉपुलिज्म हो सकता है। सो मेनी स्टेट्स हैव एक्चुअली वेंट फॉर अ मोर पॉपुलिस्टिक मेजर्स, जी राजस्थान या महाराष्ट्र देखिए, सो देर आर स्टेट्स विच हैव गॉन इन फॉर मोर पॉपुलिस्ट मेजर, बट कंपेयर टू दैट कर्नाटक कर्नाटक का वॉज का नॉट रियली, कर्नाटक का बजट हो गया है, कर्नाटक में पॉपुलिज्म नहीं दिख रहा है, सो दे आर ऑल्सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रेटजी, एंड जी बट आई थिंक इट्स महाराष्ट्र एंड राजस्थान, दीज टू यस स्टेट्स वो क्लियरली पॉपुलिस्ट बजट होके बैठा है। और ये कंपेयर किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में यू डोंट सी एनीथिंग एक्सेप्ट द यो टैक्स का ऊपर, जी इनकम टैक्स में कुछ आई थिंक इट ओनली क्रिएटेड कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, एंड इट्स स्टिल नॉट श्योर वेदर इट्स स्टिल ए पॉपुलिस्ट और ए प्रैग्मेटिक काइंड ऑफ ए पॉलिसी। वो जो नया टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है उसी में केवल किया है चेंज, पुराने वाले में कोई चेंज नहीं किया। जो पुराना टैक्स सिस्टम है उसमें जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ नए टैक्स सिस्टम में जहां पर आपको जो छूट मिलती है एग्जम्पशन मिलता है कोई वो एग्जेम्पशन नहीं, हाँ नहीं होगा। तो वहां बोला कि 7 लाख तक आपको जो है कोई टैक्स नहीं देना होगा, और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो भानुमूर्ति जी, हम फिर एक बार आपको बार बार आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। मैं केवल 1 मिनट में जो हमारी बातचीत हुई है उसको थोड़ा समाप्त कर देता हूँ कि हाँ जी पहली बात जो ये कहा गया कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, उसमें जो मार्केट प्राइस पर जो दोगुनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई का बड़ा योगदान उसमें दिखता है। क्योंकि महंगाई, औसत महंगाई अगर हम इस आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 8 पॉइंट कुछ% प्रति वर्ष रही है, जबकि जो रियल जो वृद्धि है वो इसके आधे समझ लीजिए, 4.1 या 4.2 इन 8 सालों के दौरान देखी गई है इन आंकड़ों के हिसाब से। दूसरा मुद्दा जीडीपी का, हमने कहा है कि जीडीपी इस साल, जबकि पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रही है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, यूरोप में मंदी चल रही है, अमेरिका में भी अभी महंगाई की वजह से वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, इस दौर में भी हम 7% 7% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं जैसा कि आपने बताया है। और रिजर्व बैंक के जो समय समय पर मौद्रिक नीति आ रही है उसमें भी ये इसकी झलक मिलती है।
और तीसरा पॉइंट आपने बजट के बारे में कहा कि केंद्र सरकार जो वित्तीय अनुशासन है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, उसकी दिशा में आगे बढ़ रही है। उसने ओपनली मतलब कोई ऐसा पॉपुलिस्ट मेजर इसमें नहीं अपनाया है कि हम बजट में जनता को खुश करना है, जनता को रियायत देनी है। उसने ग्रोथ और जनता के बीच में एक बैलेंस इस बजट में किया है। और आपने जैसा तीन मुद्दे आपने बताए कि कंटिन्यूटी है, सरकार जिस सुधार के रास्ते पर, फिस्कल कंसोलिडेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है। और दूसरा है प्रैग्मेटिक है कि सरकार जो कहती है कि हम ग्रोथ करेंगे, हम डेवलपमेंट को तवज्जो देते हैं, उसकी वो नीति इस पे आगे बढ़ रही है। और लेस पॉपुलिज्म, जैसा कि हमने बताया कि इसमें ज्यादा उन्होंने सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के बजट तैयार नहीं किया, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी ध्यान में रखा है। तो ये सब चीजें हमारी जनता आपके मुखारबिन से जो भी शब्द निकले उनको समझेगी। और इसके साथ ही हम आपका फिर बार बार धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।